इस वीडियो में हम देखेंगे केटिया सरफेस मॉडलिंग के अंदर जो ऑपरेशन टूल बार है उसके अंदर आपको दो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एक होता है स्प्लिट और एक होता है ट्रिम कमांड। तो हम लोग दोनों कमांड का एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं स्प्लिट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सरफेस बनाया और अंदर वाला पोर्सन एक स्प्लिट कर दिया, उसके बाद इस टाइप का एक प्रोफाइल बनाया और उसको एक्सट्रूड कर दिया। अभी हमको ये वाला पोर्सन जो है उसको हमको क्या करना है, हटाना है, ट्रिम स्प्लिट करना है। तो उसके लिए हम स्प्लिट कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ पे कटिंग एलिमेंट, तो मैंने जो मेन पार्ट है उसको क्लिक करते हैं और कटिंग एलिमेंट में एलिमेंट कार्ट में हमने बड़ा जो सरफेस है उसको सिलेक्ट किया और कटिंग एलिमेंट में मैंने ए वाला सरफेस सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए अभी अंदर वाला पोर्सन हमारा क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। आप आउट अदर साइड करोगे तो आपको आउटर साइड आपको स्प्लिट हो जाएगा। तो इस टाइप का आपको कौन सा हाफ आपको रखना है वो आपको देखना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू करके ओके कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारा अंदर वाला पोर्शन क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इस टाइप का आप स्प्लिट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है और उसके अंदर से हमें एक लाइन कॉर्नर कॉर्नर आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हमने स्प्लिट का वन यूज़ किया और एलिमेंट टू कट हमने सरफेस सिलेक्ट किया और कटिंग एलिमेंट हमने लाइन और आर्क सर्कल का जो आर्क है वो सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए जितना भी कॉर्नर है वो स्प्लिट हो गया है। अदर साइड करोगे तो आप अंदर वाला पोर्शन आपको स्प्लिट हो जाएगा। तो इस टाइप का आप स्प्लिट कर सकते हो कॉर्नर वाला। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ट्रिम कमांड कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सिलेंडर बनाया और एक स्प्लाइन से हमने क्या किया, एक सरफेस बनाया। हम यहाँ पे प्लेन वगैरह हाइड कर देते हैं। तो इस टाइप का मैंने दो अलग अलग सरफेस बनाया। हम ट्रिम का वन यूज़ करते हैं ट्रिम, और यहाँ पे देखिए ट्रिम एलिमेंट मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और दूसरा सरफेस ये सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपको क्या हो गया, ट्रिम हो गया। यहाँ पे आप नेक्स्ट साइड भी आप कर सकते हो। इस टाइप का आपको जो भी सरफेस आपको ट्रिम करना है या डिलीट करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे अदर साइड इस टाइप का आपको ट्रिम वगैरह कर सकते हो। तो इस टाइप का आप ट्रिम और स्प्लिट कमांड से आप कोई भी सरफेस को आप क्या कर सकते हो, ट्रिम या स्प्लिट करके आप नया सरफेस क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।